हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू टेक इट इजी व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम मसूरी से अभी जस्ट पहुंचे हैं, रेडी हुए हैं। अब सोच रहे हैं कि मसूरी मार्केट थोड़ा डिस्कवर करते हैं, नाइट के टाइम कैसा रहता है, क्या रहता है, सब कुछ आपको दिखाएंगे और बहुत ही मजा आने वाला है। ब्लॉग को एंड तक देखे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे को अपने रूम में ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा और साथ ही आपको एक चीज दिखाता हूँ, ग्रीन डे। अक्षय भाई ने आज पूरा ग्रीन पहना है यार। कोइंसिडेंटली मैंने जो सारा लाया वो ग्रीन है। देखो ये जूते, लोअर, जिपर, अंदर ये स्वेटशर्ट। तो आज हम सेलिब्रेट करने वाले ग्रीन डे, तो फिर तो चलते मसूरी को ग्रीन बनाते पूरा। तो सनी भाई और भाभी जी इज ऑल्सो रेडी, फोटो सेशन चल रहा है। अक्षय भाई जबरदस्ती घुस रहे हैं क्योंकि इन्होंने ग्रीन पहना है। वाह, खींच लो भाई, फोटो खींच लो, अच्छी फोटो आ रही है। अब हम बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा सोच रहे, एक्सप्लोर कर रहे, निकल चुके हैं बाहर। ध्रुव तो फोन पे बिजी है। यहाँ पे सामने है एक बहुत बड़ी पार्किंग, अगर आपको यहाँ पे घूमने आना है तो यहाँ भी आप पार्क कर सकते हो। और इस लाइन में काफ़ी सारे होटल्स हैं, आपको पहले पिछले व्लॉग में भी दिखाया था। अब हम जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ, आगे जो है यहाँ पे राणा जी को पसंद आ चुकी है चुटकी, बचपन में बहुत खाया करते थे। याद आ गई हमें इस चुटकी की, सबसे तगड़ा और फर्स्ट माउथ फ्रेशनर। ओह माय गॉड, किंचक पूजा। ये स्पेशल भाभी की रिक्वेस्ट पे राणा जी की लुक दिखाई जा रही है, क्या बात है। राणा जी को एक्चुअली टीज किया जा रहा है कि क्या पहना है, पर अच्छा लग रहा है। राणा जी, पहले तो आप मेरे को एक चीज ये बताओ, ये आप इतनी ऐतिहासिक ड्रेस कहाँ से लेके आए हैं? हम गए थे मनाली। अच्छा, हाँ, क्या बात है। ये लाए थे हमारे लिए, लेकिन खुद पहन रहे हैं। अब हम क्या सोचे हैं कि अब अपने जो कपड़े हैं इनको ही दे दिया करेंगे, तो यही पहन लिया करेंगे। लग रहे हैं ना पूरी ढिंचक। ओ भाई, ऐसी बात है कि अब हम मस्त मोला भाई बंदे, ठीक है भाई साहब, हम हैं बढ़िया पहाड़ी। देखो आज जो है सनी राणा अपनी अकेली टीम में है, क्योंकि मैं और भाभी है और ध्रुव भी हमारे साथ है। इसकी सिर्फ एक ये गलती है कि ये कपड़े पहन के आ गया। अगर इसने कुछ अच्छे कपड़े पहने होते तो शायद एप्रिसिएशन मिलती, पर अच्छा लग रहा है भाई, तू पता है, ऐसे नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा है आज तो। जूते देखो भाई साहब के, हम चप्पलों में आए हुए भाई साहब, पूरे जूतों में सज धज के। नाइट व्यू कितना सुंदर है, डिट्टो शिमला की तरह है और बहुत ही मजा आ रहा है। ये चल रहे आगे अपने भाई लोग, मॉल रोड का रास्ता शुरू हो गया है और यहीं से मार्केट स्टार्ट है आगे से। दिन में तो सब दिखाते हैं, क्यों हमने सोचा रात को दिखाते हैं आपको, और स्पेशली अक्षय भाई का कैमरा यूज़ कर रहे हैं हम, ताकि बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी आए जितना हो पाए। ये वाला है मसूरी का चौक और पीछे ना गोल्डन टेम्पल जैसा कुछ दिख रहा है, देखते क्या है बाकी। यहाँ पर इंडियन चाइनीज पहाड़ी, वाओ, कौन सा है, जीत रेस्टोरेंट। ये है जी वो चौक और साथ में है वो गुरुद्वारा, अभी पता किया हमने। हाँ, ये गुरुद्वारा है और इस पर मेरे को लगता है ये सोने का होगा, ऊपर हो सकता है गोल्ड प्लेटेड हो, प्लेटेड होगा। और यहाँ से है अपनी मसूरी की मार्केट स्टार्ट और आप क्राउड देखो कितना ज़्यादा है, वाओ अमेजिंग। लाइट्स कैसे चेंज हो रही है आप देखो, हर एक टाइम पे ना अलग अलग कलर आ रहा है और लाइट्स चेंज हो रही है ना। हाँ, अमेजिंग चीज, वाह। और ये ऐसा है जैसे शिमला में लोअर बाजार होता है ना, टाइप ऑफ दैट। हाँ, तो यार काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है अंदर आके, बाकी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, जितना हम आगे जाएंगे उतना हमें पता चलेगा कि क्या है मसूरी में एक्चुअली। तो अभी तो हम नाइट में आपको बस ये मार्केट दिखा सकते हैं और साथ में थोड़ा खाने पीने का क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पे अमेजिंग चीज लगी, यहाँ रिक्शा होगा शायद, तो रिक्शे में हम यहाँ पे घूम सकते हो गए ना मॉल में। ये देखो जैसे ये आंटी चढ़ रहे हैं, जैसे आंटी चढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो एक इंटरेस्टिंग सी शॉप दिखी है यहाँ पे, यहाँ पे कैप्स है अलग अलग टाइप की अवेलेबल, बच्चों की है सारी कैप्स। आप अक्षय अवेलेबल कौन सी लो, ये वाली पेंगुइन वाली पहन के देखना, ग्रीन होती ना तो भी। तो ग्रीन क्या आज ये वैसे इसमें लगा है, पिन है 130 का है, 130 नहीं, 130 ये वाली ले सकते। ये वाले ग्लव्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें हाफ उंगलियां बनी होती है, हाफ वो कैप लग जाता है। ये कितने का है? और ये वाली कैप कितने की है? 350, 250, ठीक है। यहाँ पे शॉल अवेलेबल है,
150 rupees. Wow. Fixed price. उसमें आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा ना बार्गेनिंग होगी. पर अच्छा है ना 150 में क्या मिलता है यार. शॉल मिल रही है. वाह शॉप का नाम देख लो. वाह ये शॉप ठीक लग रही है. सनी तो लगता है इसको भूख लग गई. सनी अंदर चला गया. कुल्लड़ का दूध. वाह क्या कर रहा है. अमेजिंग भाई. जलेबी ले रहे हैं. क्या करेगा चलते चलते जलेबी करने के. भाई क्या कर रहे हो. जलेबियां ले रहा हूँ. मजा आ जाएगा. गरम गरम ये भी हम ट्राई कर सकते हैं. ये ट्राई करेंगे जरूर. कुल्लड़ का मिल्क. वाओ लाइटिंग्स. और यहाँ पे सनी का मन अटक चुका है. ये मान नहीं रहा है. देखो खानी पड़ेगी जलेबी. इतना मीठा मेरे को तो पसंद नहीं है. पर क्या करें खाना खा लेते हैं. आए तो और देसी घी में जलेबी बन रही है तो एक एक बोले तो बाइट ले लेंगे. ये हमारे सनी भाई का तोहफा. मजा आ गया. बहुत टेस्टी है. तो भाई मैंने क्या बोला था दानिया. बहुत अमेजिंग टेस्ट. एक और भी. वैसे तो मैं खाता नहीं हूँ बट बहुत अच्छी बनी है. और यहाँ से आगे बहुत कुछ है घूमने का तो हम पहले कवर करते हैं. मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर कभी मसूरी आओ तो प्लीज ट्राई करो. काफी टेस्टी है. वाह यार बहुत सारी चॉइसेस है. एक साथ लाइन में ही है सारे खाने के लिए तो दैट्स अ गुड थिंग. आप अपना देखो कहाँ पे अच्छा लग रहा है. वाह चाट कॉर्नर भी है. अमेजिंग. कपड़ों की दुकान भी है. तो यहाँ पे एक रेन शेल्टर काइंड ऑफ है. और ऐसा सा रेन शेल्टर हमारे शिमला में भी है. सेम डिटो. क्यों भाई ऐसा ऐसा रेन शेल्टर शिमला में भी है ना. हाँ हाँ मतलब रिजेम्बलेंस है यार शिमला से बिल्कुल. क्या खतरनाक. एक और चीज भाई राणा जी जो है ना हर चीज खाना चाहते हैं. क्या है. हाँ पाव ही पाव. डबल अच्छा अच्छा वो जो हमने खाई भेलपुरी. हाँ अब राणा जी कह रहे गजब आइटम है ये खाते हैं. भेलपुरी दो काफी है. मोर देन इनफ. कितने का भैया भेलपुरी. 30 का है सर. 30 का. ओके पहले चेक करो बता के भी जाना. नोटेड लो मनी करते हैं. अक्षय भाई कहाँ गए. टेस्ट करो जरा बताओ कैसा है. अरे मिर्ची लगेगी. कोई नहीं अभी मीठा का है. राना ना कुछ भी खिलाएगा. अभी मीठा खिला दिया अभी ये खट्टा खिला रहा है. कोई नहीं जो बीमार हो गए आप तो राणा जी. राणा जी है रिस्पॉन्सिबल. ये बीमार करवा के जाएगा बनता. कैसा राणा जी खाने पे जोर दिया बता तो दो. है एवन मीठे और खट्टे से इसका मुंह बंद हो चुका है. और आप देख रहे होगे ठंड कितनी है. अक्षय धुआं निकल रहा है आपके मुंह से भी. ओ नेचुरल शुरू हो गई तो यही है असली निशानी ठंड की. लेट तू भी ट्राई कर. तू ट्राई करके बता कैसा है. बढ़िया बस एक चीज की कमी है. क्या पीनट्स. ये मिल रहा है ये बहुत है. अभी आज सब अपनी पसंद का कुछ खा रहे हैं. मुझे भी मिल गया. मैंने वाओ वाओ माय कितने का है भैया. सब स्वीट कॉर्न है. सब 50-50 का भाई. 50-50 ओके. तो भाई अपनी छलियां है तैयार. भुट्टा तैयार है. बहुत ज्यादा गर्म है इस टाइम तो. मजा आ रहा है. मजा क्या आ रहा है खा के. देख यहाँ देखो जरा. ओहो धुआं. ये इसका मक्की का था कि तेरा. मेरे तो मुझ खराब हो गया. आज इतनी अच्छी है तभी तो भाई मेरा बड़ा फेवरेट है. मुझे तो मन कर रहा है मैं भी खा रहा हूँ. दो लेट मी ट्राई. इसको खाने का जो मजा है ना वो ऐसा है कि जितना डीप बाइट कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर का सब सॉफ्ट होता है. पर गरम है भी दांत में लगेगा. खा लो कोई नहीं. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. पा लिया है तूने जो छली को. आया मजा. खींचता चला गया. इतना लालच कि वो लार यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई. वाओ वाओ. अब आप देख सकते हैं जिस तरफ को एरो लगा है उस तरफ सारी चीजें. अब हम कुछ ऐसी सी जगह पे पहुंच गए. वॉक करते करते ट्रैफिक काफी बढ़ रहा है भाई. यहाँ पे क्या है खाने का. मैगी भुट्टा अगेन. अभी कुछ नहीं खाएंगे. अभी हम वॉक करना पसंद करेंगे. यहाँ कुछ मिल रहा है लकड़ी का. ये सनी के लिए आइटम. सनी के लिए हमने ये चीज लेनी है क्योंकि काम आएगी ये. यू वॉन्ट इट. कई बार लकड़ी का काफी कुछ सामान है यहाँ पे. ये चाहिए गिफ्ट ऑफ मसूरी. क्या यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें सारी 250 रुपए की है.
आप कुछ भी ले सकते हैं, देखो कितना अच्छा लगा है। वाह, सारी चीजें 250 में, अमेजिंग यार। लड़के की है, अच्छी है स्वेटर दो। क्या प्राइस है भैया जैकेट के? 500 सारी लो। क्या बात है, सस्ती बेहतर है फिर भी नहीं बिक रही है, हमें तो ये भी महंगी लग रही है। आप रेट लगाओ ना यहाँ पे, पता तो चले 500। आज हमारे हाथ में है ये पिस्तौल भाई साहब, कितना है इसका? 150 का है और 25 चांसेस है। फिर अगर आपने 25 में अगर आपने 10 फोड़ दिए, हाँ जी, तो आपको 100 देना पड़ेगा, 50 पूरा महीने से होगा, मतलब 100 रुपए में पड़ेगी ये गेम, पूरा गेम 100 में पड़ेगा। अगर 10 फोड़ोगे लगने भी तो चाहिए एंड नहीं, एंड तो हम अपने अच्छे हैं, देखते कंचे तो खेले जाओ, देखते फोड़ दिया कंचे खेले हैं ऐसे ही राडा तो गप मारे हो जाने लगा। 8 चांसेस मिलेंगे आपको राणा जी, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। बात बात हो गई, 2-2, 4-4 चांस है। एक और वोट जाए, कितने लगाए हैं भाई आएंगे भैया, कितने कितने फटे इसके? एक ही फूटा है भाई तेरा, अभी तक 25 नहीं फूटने, 10 करने हैं। 9 कितने अटेम्प्ट हो गए अपने इससे, मतलब दोनों से नहीं कराने ना पूरे? 150 नहीं देने मैं, ओके अच्छे 150 नहीं देने भाई, अक्षय भाई आप देखना आप पक्का। अच्छा चल ठीक है, फोकस ये पड़ गया, एक गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी मैं हूँ भाई, नेक्स्ट जी अक्षय भाई की बारी। बंदूक सही तरीके से पकड़, मैं यहाँ रुक मैं खुद गुस्सा दूंगा यार रानी मेरे को, करो भाई जल्दी। एक गोली बची है और दुश्मन अनेक है, ऐसा तो लग नहीं रहा, देख के कौन सा लग रहा है पटा। यस तभी आपके बहुत बच गए, एक पहले ही मैंने ही फोड़ा है और किसने फोड़ा इसमें की गोली हां नहीं थी, मतलब बजा नहीं शॉट, वही शॉट। तो भाई अब लास्ट आखिरी राउंड बचा है, एक एक मिलेगा सबको। अब तू पहले ध्रुव ट्राई कर रहा है, राणा जी उनको तो अब एक्सपीरियंस, एक ट्राई कर लो कोई सनी निशाना तान के। क्या बात है, गया गया एक गया, ध्रुव की बारी आ गई, गया नो आप भी करना चाहिए भाई। लास्ट अक्षय भाई की बारी, देखते हैं अक्षय माँ काल, एक एक तो करना, एक तो करना पड़ेगा, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, छूट गया इतना करीब। राणा जी विनर, राणा जी विनर, कांग्रेचुलेशन, पैसे विनर ही पैसे देता है, वाओ क्या बढ़िया पेंटिंग है यार, अमेजिंग, वाह यार। मसूरी में कार्निवल सिनेमाज, तो यहाँ पे हम मूवीज भी देख सकते हैं, बिग थम्स अप। तो अब आ गए हम दूसरी शॉप में, यहाँ पे थोड़ी बंदूक बड़ी है और गुब्बारे भी बड़े हैं। अब ये क्यों मारूंगा, इसके पीछे रीजन है, एक तो इधर गुब्बारे बहुत बड़े वो बहुत छोटे थे, और ये बंदूक इतनी लंबी आधी यहाँ तक खुद पहुँच रही है, बस मारना ही है तो। फिर उसके बाद मिलेगा क्या हमें? कुछ नहीं, एंजॉय Enjoy? 50 रुपए लेने ही होने। अच्छा कोई नहीं, एंजॉय के 50 रुपए देंगे, एक ऊपर नहीं फायर करनी भाई, एक्स्ट्रा नहीं है साथियों, अब हमें ये करना पड़ेगा देश के लिए। ये पड़ेगा नहीं, इसमें भी रह गया पैंट, मर जा भाई, मेरी बारी, मेरी बारी, इस बार तो मैं पक्का करूंगा, ठीक है ले दिखाओ ना उधर को। हां तो देख तू मार तो सही, ए गया इस कील में मार दिया, ये वाली कील में, ये हाँ भाई गुब्बारा फोड़ना है, लड़ियों में मार रहा है ये। अब देखते हैं वुमेन पावर, कमॉन हो जाएगा, हो जाएगा, ओ नाइस। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, 200 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए, आओ भाई जी, आओ आओ, 200 200 यार ज्यादा है, थोड़ा कम कर दो, लेट हो गए ना, तो मैं सोचा मैं ही बेच लेता हूँ थोड़ा, तो
एक है 50 रुपए का और एक है 80 रुपए का, तो कौन सा बनाना चाहेगा तू, किस इसमें क्या है, कौन सा 80 का? ये 50 का है जी, 80 का ये, 80 का ये 50 का है। भाई 80 का बनाते हैं। यार हमने सोचा था राउंड वाला बनाएंगे, बट वो राउंड वाला भैया ने बताया लड़कियों का है, तो हमें वही चाहिए था, तो फिर अच्छा नहीं लग रहा, तो देखते कुछ और देखते हैं। कैंसल और साथ में देखो आप ये कॉन्सेप्ट अमेजिंग, आगे भी एक वाह, आगे वाला भी दिखाता हूँ, वाह यार कितना ब्यूटीफुल है। हमने पता किया था मार्केट अभी बहुत बड़ी है आगे जाके, तो देखते हैं यार, हम भी फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं, तो लेट्स एक्सप्लोर द मार्केट ताकि डिनर तक हमारी थोड़ी पेट में जगह बन जाए। अच्छा सा व्यू आ रहा है, वाह यार फॉग भी है और साथ में लाइटिंग्स, यहाँ सामने से आए ना हम लोग, मेरे को याद है क्योंकि वहाँ से ये ऐसे दिख रहा था, पता नहीं कहाँ पे होगा, फिर थोड़ी देर में यहीं पहुँच गए। ये लगे भाई एक अमेजिंग शॉप हाउस ऑफ कैंडी, मुझे लग रहा है यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडीज होगी। एक्सप्लोर सम काइंड ऑफ कैंडीज, वाओ वाओ एनी कैंडी, वाह यार ये भी कैंडी है, वाह स्माइली वाली कैंडी, नहीं यार ये तो बहुत टेस्टी लग रही है, इनको देख कैसे लगता है, ओ तुझे कौन खाएगा, पागल है क्या, कौन खाएगा, वाह ये तो स्नेक जैसे लग रहे हैं, ये मार्शमेलो जैसे लग रहे हैं जी, बोल रहे भैया स्नेक वाला इतना वेट बनेगा उसके अकॉर्डिंग वेट होगा 1800 केजी के हिसाब से, 250 ग्राम लेते हैं आप, 450 रुपीस का, 50 ग्राम्स, बहुत अच्छी शॉप है और नाइस कॉन्सेप्ट। आप यहीं से क्या चीज है, कितना टाइम हो गया आपको ये खोल के? ये तो अभी सर लेटेस्ट ही खुला है, 1 ईयर समथिंग। ज्यादा चाहिए, ज्यादा 10 तो मिल जाए एटलीस्ट, कितना परसेंट? 5%, क्या बात है यार, कश्मीरी शॉल्स तो कश्मीरी स्टफ्स यहाँ पे मिलता है। ये देखो आप रेट्रो 89, एक अमेजिंग प्रॉपर्टी मिली हमें स्मॉल रोड में, मैंने सोचा आपको दिखा दूं, ये भी आखिर ये ले ले कान के लिए, पर इतनी ठंड कहाँ हुई है। हाँ वैसे ठंड तो नहीं हुई है यार, चलो अब वापस को चलते हैं ना, बहुत आगे, सही बात है, यहाँ से आगे भी है मतलब ऐसी ही मार्केट रहेगी, कितने की कौन सी, ये वाली 200 रुपये, 200 रुपये यार, क्वालिटी नहीं अच्छी, क्वालिटी भी अच्छी नहीं ज़्यादा। तो हम यहाँ तक आए थे, अभी आगे भी मार्केट है, तो सोच रहे यार थोड़ा वापस निकलते हैं, क्योंकि सेम ही है चीज़ जो हमने देखा, सब कुछ ही सेम है, कहीं पे खाने के स्टॉल है, कहीं पे ऐसे वेंडर्स बैठे हुए जो कपड़े बेच रहे हैं। बेसिकली हम आए हुए ऐसी जगहों पे क्योंकि शिमला सेम ऐसा ही है, तो थोड़ा बहुत इसलिए आया कि आपको भी आइडिया हो कि है कैसा ये मसूरी। हमारे दो बंदे तो थक चुके हैं, रेस्ट पे है और इन्हीं के साथ है यहाँ पे ये रेंट पे आपको बेबी सीटर भी मिल सकता है, और अगर बंदा चाहिए साथ में ऐसी ड्रेस में वो भी आपको अवेलेबल है, आना सिर्फ आपको इनके बगल में है। अभी हम फ्रूट चाट खा रहे हैं, मजा आएगा, अब ये खीरे के साथ कुछ बनेगा, दिखाऊंगा कैसा बना है, और ये पूरा मिक्स फ्रूट है, ये 50 का ये 60 का है, लेट्स ट्राई कैसा बनता है। लो जी अपनी एक एक फॉग थोड़ी है, टूथपिक है। टूथपिक आ गई है। तो इस टूथपिक के दो फायदे हैं, एक तो हम इससे फ्रूट्स खाएंगे, दूसरे जो हमने मक्की खाई है भुट्टा वो भी निकालेंगे। पर अभी नहीं, अभी मुंह में निकाल, अभी कुछ और खाते हैं, धीरे धीरे खाना, साढ़े 7 का टाइम है और यहाँ पे ओस पड़ गई है, वाह ठंड आप फील कर सकते हो, मतलब कितनी ज्यादा ठंड होगी। यहाँ पे हम मोमोज ट्राई कर रहे हैं, तो हमारे पास इस बार चिकन स्पेशलिस्ट राणा जी है, वाह वेज है पहले तो भैया, मैं खाऊंगा वेज क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ के मोमोज अच्छे होते हैं, तो लेट्स ट्राई, पर इसको खाने के लिए हिम्मत चाहिए बहुत गर्म, और ये खाएंगे चिकन, हम है वेजिटेरियन तो हम खाएंगे वेज, धुआं भी नहीं मिलना चाहिए, हमारा धुआं भी एक्सचेंज होना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन, खा के दिखाओ खा के दिखाओ यार, इतना गर्म है नहीं खाया जाएगा, तो खाए नहीं जा रहे गर्मा गर्म। ध्रुव रिव्यू चलो, किसने बोला था यहाँ खाना है, वैसे किसी ने बोला था कि अच्छे है देहरादून के, तो ये भी मसूरी नजदीक ही रहे। मैं भी एक थोड़ा सा ट्राई करूँ, है नहीं यार इसमें ना थोड़ी स्टफिंग कम है भैया, 10 रुपए कटेंगे आपके स्टफिंग के, सही में स्टफिंग कम से कम डालिए, स्टफिंग
खाने में तुम्हारे कैसे चिकन वाले कैसे ये वाले अच्छे खाने क्या मैं नहीं खाता यहाँ पे सूप भी है चिकन सूप और वेज सूप तो बता सकता है कोई अब हम फिर से यहाँ क्यों आ गए कि हाफ हाफ क्या दूध का मैं पूरा मैं भी पूरा भाई कितने का है पूरा कितने मर्जी का कितना नहीं पूछ पता तो लगे 40 का है ये हम स्पेशली मतलब जलेबी के बाद हमारा मूड था कि कुल्लड का दूध ही पिएंगे तो पूरा खा पी के अब दूध पीना बहुत जरूरी है अभी भी इनका पेट नहीं भरा है अकॉर्डिंग टू सनी उसको और खाना है डिनर भी करना है खाते हैं ये लो जी हमारा दूध तैयार है लोकेशन पे टेस्ट करके बताओ कैसा है बहुत टेस्टी है आज जो है मैं भी टेस्ट करता हूँ यार मीठा होगा इस समय को मीठा अरे यार वाह एक भैया ने सनी रानी को देख के इशारा किया और अंदर बुला दिया और यहाँ नॉन वेज है सब कुछ अब बताओ क्या डील मिलेगी हाँ जी डील बताओ क्या मिलेगी 250 है 250 का क्या 190 का 10 रुपए सस्ता मुबारक हो भाई अभी हम यहाँ चल रहे इतनी ठंड है ना आई डोंट नो बिकॉज दिस इज द हिल टॉप और नीचे से ऐसे हवा उड़ते हुए आ रही है मुंह में बज रही है अलग ही यार अलग ही ठंड है यहाँ पे तो और सिर्फ इस एरिया में देखो फ्लैग हिल रहा है आगे कितनी तेजी से हिल रहा है ये फ्लैग हिल रहा है ये पत्ता हिल रहा है वाओ क्या व्यू था तो भाई साहब अब बहुत ठंड लग रही है और हम सोच रहे हैं होटल फटाफट चलते हैं थोड़ा बहुत खाने का पैक करवा ही दिया तो जी हम अपने होटल के पास पहुंच चुके हैं ये है सामने अपना होटल और ध्रुव तो मस्त होके अपनी धुन में चला है सनी और भाभी आगे पहुंच चुके हैं और अब बस अंदर पहुंचते हैं फटाफट तो जी ये था हमारा आप कह सकते हैं इवनिंग वॉक टाइप जो कि एक मॉल रोड में हुई बहुत ही मजा आया बहुत फन किया कोशिश की कि एक दूसरे को एंटरटेन करे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सके तो काफी ज्यादा मजा आया बहुत पेट भर के खाया नई नई मतलब दुकानें एक्सप्लोर करी जो भी नया नया हमें दिखा सब कुछ आपको दिखाया और अब आ गए हम होटल के पास अंदर हमारे लिए भी बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था क्योंकि हम भी पहली बार आए जैसा हुआ है वैसा ही दिखाया है आई होप आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा अब क्या करना है अब हम थोड़ा सा डिनर तो पैक करवा के ले आए हैं और अब हम क्या करेंगे डिनर करेंगे फिर हमें बैठना है एडिटिंग पे तो बहुत ज्यादा काम है करने को बहुत सारे काम है तो सोच रहे हैं वो सब करते हैं क्योंकि डेली व्लॉग डालने हैं तो हमारे पास व्लॉग नहीं है तो एडिटिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट घूमेंगे भी फिरेंगे भी इंजॉय भी करेंगे व्लॉग्स भी बनाएंगे और काम भी करेंगे तो अब इसी नोट पे इस व्लॉग को एंड करते हैं तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और देखते रहे टेक इट इजी व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स।